नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन ने आज 9 मार्च को बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया है। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर ने आज गुरुवार सुबह कहा कि अस्पताल ले जाते वक्त दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। अचानक हुई इस मौत ने हिंदी फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। वो कल ही होली का जश्न मना रहे थे और उनकी तस्वीरें भी होली खेलते हुए देखी जा सकती हैं। लेकिन अगले ही दिन एक अद्भुत प्रतिभा के कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के बाकी कलाकारों ने एक्टर के साथ अपनी यादें साझा की हैं। अधिकांश ने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म कैलेंडर की शानदार भूमिका के लिए सतीश कौशिक को याद कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड कलाकारों और आम लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जाने माने फिल्म शख्सियत सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से व्यथित हूँ। वो एक क्रिएटिव जीनियस थे जिन्होंने अपनी विलक्षण अभिनय और निर्देशन प्रतिभा से लोगों का दिल जीता। उनका काम लोगों का मनोरंजन करता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके परिवार वालों और फैंस के लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। राहुल गांधी के विदेश के दौरे पर पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर हमलों को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, तो इसी क्रम में अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल की आलोचना करते हुए रिजिजू केवल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित शहजादे ने सारी हदें पार कर दी हैं। भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं पता कि वो पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए उनके भारत विरोधी बयानों का दुरुपयोग किया जाता है। बता दें, बीते दिनों राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत की विविधता को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी भारत की संरचना को बर्बाद कर रहे हैं। वो देश पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। ईडी के अधिकारी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने सिसोदिया का बयान दर्ज किया था। जांच एजेंसी ईडी ने मामले में एक नई गिरफ्तारी भी की है। ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया। ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या कश्मीर की स्थिति पर 1948 में सेना के शीर्ष अफसरों ने अंधेरे में रखा था, जिस वजह से नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और जिसे 2019 में मोदी सरकार ने छीन लिया। दरअसल द गार्जियन अखबार ने 8 मार्च को कुछ गोपनीय दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें ये बात कही गई है। गार्डियन का कहना है कि बहुत लंबे समय से कश्मीर पर कुछ दस्तावेज गोपनीय हैं, लेकिन गार्डियन का दावा है कि उसने उन गोपनीय दस्तावेजों को खुद देखा है। भारत में इतिहासकार इन्हें बुचर पेपर्स भी कहते हैं। द गार्जियन के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू को उनके सबसे वरिष्ठ जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर ने 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के सहमत होने का आग्रह किया था। कुछ गोपनीय दस्तावेजों में पत्राचार को देखने के बाद गार्डियन ने दावा किया है। द गार्डियन के मुताबिक 28 नवंबर 1948 को नेहरू को अपने संदेश में बुचर ने कश्मीर में भारतीय सैनिकों के थके होने की चेतावनी देते हुए कहा कि समग्र सैन्य कार्रवाई अब संभव नहीं। उन्होंने लिखा था, सेना के जवानों ने दो कमजोरियों को उजागर किया, जूनियर अफसरों में ट्रेनिंग की कमी, अन्य रैंकों में थकान और उत्साह की कमी। संक्षेप में, सेना को छुट्टी, प्रशिक्षण और जीवन शक्ति के लिए राहत की जरूरत है। गार्डियन के मुताबिक बुचर ने कहा था कि मुझे डर है कि हम पाकिस्तान द्वारा सड़क निर्माण के हर अभियान को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या मैं समस्या के लिए एक राजनीतिक समझौता सुझा सकता हूँ? बता दें, भारत के हिस्से वाले कश्मीर में भारत पाकिस्तान युद्ध 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ और बाद में उसी वर्ष नेहरू ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया था। द गार्डियन ने लिखा है कि भारत के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से समझौता करने का निर्णय नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। अमित शाह ने सवाल किया था, जब हम युद्ध जीतने ही वाले थे तो युद्ध विराम की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी?
द गार्डियन के मुताबिक हालांकि बोचर पेपर्स जैसा कि उन्होंने भारत में जाना जाता है सुझाव देते हैं कि नेहरू अपने सैन्य अधिकारियों की सूचित सलाह पर ही काम कर रहे थे। तमिलनाडु में AIADMK और BJP गठबंधन कभी भी टूट सकता है। खबर है कि तूतीकोरिन में BJP कार्यकर्ताओं ने AIADMK प्रमुख ई पलानीस्वामी की तस्वीरें जलाकर उन पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें पिछले हफ्ते BJP के 5 नेता AIADMK में शामिल हुए थे। BJP को यह झटका ऐसे समय लगा है जब उसके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल BJP को पिछले हफ्ते बड़ा झटका उस समय लगा था जब BJP IT सेल के प्रदेश प्रमुख CRT निर्मल कुमार ने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन बुधवार को 13 अन्य BJP सदस्यों ने CTR निर्मल कुमार के समर्थन में पार्टी छोड़ दी। निर्मल कुमार ने अन्नामलाई पर सत्तारूढ़ DMK सरकार के मंत्री के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाते हुए रविवार को पार्टी छोड़ी और AIADMK में शामिल हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज से अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में खिलाड़ियों से अधिक चर्चा दोनों देशों के प्रधानमंत्री बटोर ले गए। दरअसल आज से शुरू हो रहे इस मुकाबले को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया PM एंथनी अल्बनीज पहले दिन का खेल देख रहे हैं। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। नेपाल में गुरुवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। इस रेस में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड सहित 8 दलों के उम्मीदवार रामचंद्र पोडैल और KP शर्मा ओली की पार्टी के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेमबांग शामिल हैं। 8 दलीय गठबंधन समर्थित उम्मीदवार रामचंद्र पोडैल हैं, जबकि CPN-UML की ओर से सुभाष नेमबांग को उम्मीदवार बनाया गया है। नेपाली राष्ट्रपति का चुनाव 882 उम्मीदवार करेंगे, जिनमें से 332 सदस्य संसद के हैं, बाकी 550 सदस्य 7 प्रांतीय विधानसभाओं के हैं। मतदान यहां संसद भवन में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। आयोग शाम 4 बजे से मतगणना शुरू करेगा और शाम 7 बजे नतीजे घोषित होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।